अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा उस्मान। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ना बट ये जो है ना कपड़े स्टिच होके आ गए हैं, जो मैंने आपको दिखाई थी लेसेस जिनके हम लोग लेके आए थे। तो आप लोगों को जो है ना मैं कपड़े निकालती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि कैसे स्टिच हुए हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसने प्यारे स्टिच किए हैं दर्जन ने, और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे कहो वैसे बना देती है। तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मुनासिब सिलाई ली है उन्होंने माशाल्लाह, और डिज़ाइनिंग भी अच्छी कर दी है। और लेस वगैरह भी जो है ना बची थी उन्होंने वो वापस कर दी थी। साथ ही ना आजकल के दौर में ना अच्छी दर्जन मिलना भी ना एक नेमत से कम नहीं है, कि जो आपके कपड़े भी वैसे स्टिच कर दे जैसे आप कह रहे हो, और सिलाई भी कम ले और उसके हाथ में नीटनेस वगैरह भी हो। तो ये किस्मत से ही मिलती है ऐसी दर्जन। पहले हम लोग शुरू करते हैं ब्लू वाली से, ठीक है। ये थी ब्लू शर्ट। अभी ना इसका ट्राउज़र जो है ना वो लेना में मतलब यानी कि टाइम ही नहीं इतना मिल रहा था, और वो फिर आ गए थे लेने के लिए, वो काफ़ी दूर रहते तो वे काफ़ी दूर से लेने के लिए आए थे। तो फिर मैंने कहा चलो ट्राउज़र बाद में मम्मी लेके खुद सी लेंगी। तो ये थी शर्ट, ये शर्ट का गला है, और ये देखें ये बटन्स वगैरह लगवाए हैं, फेसिंग हुई हुई है। एक मिनट खोलती हूँ मैं। बीचरी की शर्ट थी इसकी, जब मैंने लैस ही ली थी ना तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ना पसंद आई थी। इनकी लेसेस भी जब हम लोगों ने ली थी तो वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी, इसी चैनल पे मौजूद है, अगर आप लोगों ने देखनी है तो ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दूंगी। और ये क्या नाम है, देखें बारीक लेस जो है ना शटल की, ये हम लोगों ने लगवाई है चौकों में, और कितनी प्यारी लग रही है, उसे पूरा बुक्स खिल गया है। और देखें उसने ना तरपाई की है साइज, वरना दर्जनें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं तरपाई करते हुए, तो कुछ कर भी देती हैं लेकिन फिर सिलाई भी इतनी ज़्यादा मांगती हैं। ये हम मैंने जो है ना 500 में शर्ट स्टिच करवाई है, और 800 जो हैं वो मैंने ट्राउज़र शर्ट के दिए हैं, जो ट्राउज़र जिनके साथ हैं। और ये देखें अंदर से भी उसने अच्छे तरीके से की है, फेसिंग वगैरह भी उसने नीट से की है, और ये देखें लूप्स वगैरह भी जो बनाई हैं वो काफ़ी नीट बनाई हैं। तो फिर ये गला ऊपर बटन्स वगैरह जो है वो मैंने सारा कुछ यानी कि लेसेस वगैरह मैंने खुद ले कर दे दी थी। डिज़ाइनिंग वगैरह भी मैंने समझा दी थी कॉल पर ही, तो उसने माशाल्लाह देखे कॉल पे भी उसको अच्छी समझ आ गई, और उन्होंने जैसे कहा वैसे बना दी। बाजुओं के आगे भी जो है ना शटल की लैस ही लगवाई है, और प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये शर्ट जो है ना काफ़ी मुझे प्यारी लगी है, सारी शर्ट्स ही बहुत प्यारी लगी हैं, और काफ़ी सारों की जो है ना स्टिचिंग भी काफ़ी प्यारी हुई हुई है। तो नीटनेस भी जो है ना किसी किसी के हाथ में ही होती है। और ये जो है ना ये दूसरी शर्ट है, ये गुल अहमद की था, ये ट्राउज़र शर्ट था मेरे ख्याल से, आई थिंक सो कि गुल अहमद का ही था, मुझे अब ठीक से याद नहीं है। और बटन्स वगैरह इसके भी मैंने खुद लेके दे दिए थे। ये भी बेगले पे जो है ना आगे वो कट बन के वो लग हुई हुई है, पाइपिंग हुई हुई है, और उसके ऊपर जो है ना तीन बटन जो है ना, आजकल बटन्स वगैरह कोई कम प्राइसेस नहीं है, इतने महंगे हैं, तो वो जो है ना वो मैंने ले दिए थे। आगे लैस लगवाई है और अंदर की तरफ ठीक फेसिंग वगैरह हो गई। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग घेरे की तरफ। ये देखें, और देखें चौकों पे जो है ये बारीक लैस लगवाई है, ठीक अंदर फेसिंग तरपाई हुई हुई है, ठीक है। ये देखें फ्रंट बैक दोनों पे घेरे पे, ठीक। ये हो गई इसकी शर्ट, इसके साथ बेल बॉटम ट्राउज़र है। ये प्रिंटेड आजकल कितना ज़्यादा फैशन चला हुआ है प्रिंटेड का, और प्रिंटेड आजकल जो है ना प्यारे भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और ये था हमारा आउटफिट नंबर 2, और अब हम लोग चलते हैं अपने आउटफिट नंबर 3 की तरफ, जो कि ना रेड कलर की शर्ट है। रमज़ान की से ना थोड़ा काम में सुस्त हो गई मैं, लेकिन ना फिर भी दिखाया तो जा ही रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं रमज़ान में रोज़ा रख के जो है ना इतने ज़्यादा सुस्त नहीं होती हूँ, एक्टिव रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है हमारा आउटफिट नंबर 3, जो जिस शर्ट है शर्ट के ऊपर देखें मैंने जो है ना क्रॉस वर्क क्रॉसेस बनवाए हैं यूँ घेरे पे, और फिर उसके बाद ना नीचे जो है बॉर्डर लग गया है जो शर्ट का था, और साथ नीचे लग गई है लैस फ्रिल वाली। ये फ्रिल वाली लैस ये एक ही लैस है जिसके ऊपर थोड़ा सितारा लगा हुआ है बड़ा वाला, और नीचे फ्रिल सी बनी हुई है, ठीक है। ये बॉर्डर काफ़ी प्यारा लग रहा है पहना हुआ, और ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये धागा वगैरह जो है ये बाद में कट करती हूँ, ये लैस का पता नहीं निकला हुआ है। और फिर ये साथ लगी हुई है सेंटर लैस, इस पर सेंटर ये दोनों उसको पैनल्स वगैरह को ज्वाइन करने के लिए मैंने कहा ज़रा वो कर ज़रा थोड़ी तो उसके अंदर ज़रा शो निकल रहा है उसकी ना शर्ट की,
और फिर उसके बाद ना इसके जो बाजू हैं, बाजू के भी स्लीव्स जो है सिंपल है, नीचे बस आगे फ्रिल वाली लेस लगी हुई है। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गले की तरफ। गले पे जो है ना उसने लूप्स लगाए हैं, लूप्स बना के ना अंदर पल्स लगा दी। पल्स जो है वो मैंने खुद लगाए हैं, लूप्स उसने बना दिए थे। कुछ डिज़ाइनिंग खुद भी ज़ाहरी बात है आपको करनी पड़ती है ज़रा, ताकि चीज़ों की शो निकल आए, वो मैंने इसके अंदर। लेकिन इसमें मैंने कुछ कहा था उसको, कुछ और भी था गले में बना हुआ, तो वो जो है ना वो कर, उसने ना बेचारी की तबीयत नहीं ठीक थी, उसने नहीं किया। और मैं जो थी, मुझे था कि बहन वगैरह चले ना जाएँ, तो इसलिए कपड़े वगैरह मुझे भेज दो जल्दी, तो फिर उसने भेज दिए। तो चलो, लेकिन माशाल्लाह फिर भी प्यारा लग रहा है। और साथ इसका ये स्ट्रेट ट्राउज़र है, स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ है ये शर्ट। और ये शर्ट ए लाइन शर्ट है, इसके देखें घेर वगैरह जो है ना काफ़ी खुला है। और फिर इसके बाद हम आ गए इस वाली शर्ट की तरफ। ये जो है ये भी टू पीस ये शर्ट और साथ बेल बॉटम ट्राउज़र है इसका। और ये ओपन कर रही हूँ मैं, नीचे देखें घेरे पे जो है ना मैंने लेस लगवाई है, आजकल चली हुई ऑर्गेंजा की लेसेस। आजकल बाज़ार में इतनी प्यारी प्यारी लेसेस आई हुई हैं ना कि हर लेस देख के दिल करता है कि बंदा ये वाली लेस लगवा ले, लेकिन प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई हैं। तो ये लेस जो है ना ऑर्गेंजा की, ये मैंने लगवा ली थी फ्रंट के घेरे पे। और बैक के घेरे पे ये वाली लेस नहीं लगवाई, बैक के घेरे पे ये जो चौकों पे लेस लगवाई है ना, यही लेस फिर चौकों से होते हुए बैक घेरे पे भी आ रही है और चौकों पे बैक चौकों पे भी आ रही है। और काफ़ी ज़्यादा ना इससे जो कमीज़ है ना उठ गई है, उसकी लुक निकल आई है, प्यारी लग रही है। आजकल कटवर्क टाइप का फैशन भी बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो अच्छा लग रहा है ये शर्ट ना, प्यारी लग रही थी स्टिचों के। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इससे कि ये माशाल्लाह इतनी प्यारी लगेगी। और फिर बाकी भी इसमें माशाल्लाह उसने भी थोड़ी सीने वाले पे होता है, सीने वाले जान जो है ना उसके अंदर डाल देता है और सूट जो है फिर वो प्यारा लगने लग जाता है। आउटफिट की लुक जो है ना वो निकल आती है स्टिचिंग से। फिर इस पर भी अंदर मतलब फेसिंग वगैरह होके तो वो साथ तरपाई हुई हुई है, या अगर आप लोगों ने स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं। और फिर उसके बाद ना हम लोग चलते हैं इसके गले की तरफ। गला जो है वो ऊपर से बे टाइप बन के, तो फिर साथ ही आगे कट पे लगी हुई है, या उसने फेसिंग की हुई है, पाइपिंग की हुई है। और साथ ऊपर जो है ना बटन्स लगाए हुए हैं, बटन्स वगैरह मैंने लेके दे दिए थे। साथ ही ऊपर जो आजकल के अलावा ये इतना गला ना, मैंने कहा यही वाला मैंने जो है ना बनवाना डिज़ाइन ना, तो वो साथ बनवाया डिज़ाइन ना। और ये मैं बटन्स दिखाई थी कि ये बटन्स काफ़ी ना प्यारे लग रहे थे, सिंपल से थे, डिसेंट से बड़े ना छोटे से थे, प्यारे लग रहे थे। और ये हो गया हमारा शर्ट, ये वाली भी कंप्लीट हो गई ठीक। और स्लीव्स भी देखे सिंपल लग रहे हैं लेकिन प्यारे लग रहे हैं, लेस वगैरह लग के ना उसकी अच्छे लग रहे हैं। और ये हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई, बाकी जो है वो मैंने कुछ स्टिच होने दिए हुए हैं, और वो भी जब स्टिच होके आएंगे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जो है ना आज की इफ्तारी है, और आज जो है फ्रूट चाट बनाई थी थोड़ी, बच्चों को वगैरह को डाल ली है, आमना ने अपनी प्लेट बना ली है, और थोड़े से दही भल्ले बनाए थे वो भी आमना ने डाल लिए, और फ़ौरन ना पहले मैंने पिक्चर लेने से पहले वो कर लिए। और ये कुछ सैंडविच वगैरह की चीज़ें थी, क्रीम चाट थी, और ये हम लोगों की छोटी सी जो है ना अफ्तारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आयजा ने अपनी प्लेट बनाई हुई है, आयजा का भी रोज़ है माशाल्लाह, आमना का भी रोज़ है। और ये जिस दिन चना चाट बनाई थी काले चनों की, तो उस दिन की अफ्तारी है, और आपको दिखाना भूल गई थी तो मैंने कहा चलें दिखा देती हूँ। और यहीं पर हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं, उम्मीद आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।